अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मेहर, वेलकम टू माय चैनल शेख मैं 007। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं चिकन मलाई कांडी, बहुत टेस्टी है, बहुत ही झटपट से बन जाएगी। चलिए उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ली हूँ और मैंने छोटे छोटे ऐसे पीस बना लिए हैं, और दो मैंने शिमला मिर्च ली है, उसके भी छोटे छोटे ऐसे पीसेस बना लिए हैं। अगर आप चाहें तो कलर वाली भी शिमला मिर्च ले सकते हैं। एक अंडा ली हूँ मैंने, 3 टेबल स्पून मैंने शेजवान चटनी ली हूँ जो मेरी होममेड है, मैंने अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं इसकी वीडियो। एक टी स्पून मैंने वाइट पेपर ली हूँ, 1 टी स्पून कसूरी मेथी ली हूँ, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ली हूँ, नमक टेस्ट के हिसाब से जाएगा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर जाएगा, फ्रेश क्रीम जाएगी, 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल फ्राई के लिए जाएगा, मस्का जाएगा थोड़ा सा, जो बटर है हमारा वो जाएगा 1/2 टेबल स्पून के जितना। चलिए इसका मेथड मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जो चिकन है उसको एक बॉल में डाल लेंगे, नमक डालेंगे, नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और ये देखिए शेजवान चटनी हम पूरी डाल देंगे, कसूरी मेथी हम थोड़ी सी हमें रोकनी है और सब डाल देंगे, ये देखिए इतनी हमने रोक ली है। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम पूरा डाल देंगे, वाइट पेपर हम पूरा डाल देंगे, और हाथ अच्छे से धो के इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके हम कम से कम इसको आधा घंटे के लिए रखेंगे, और जब ये मैरिनेट हो जाएगी तो आगे हम आपको बताते हैं। देखिए, आधा घंटा इसको हो चुका है, अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लावर अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम कॉर्नफ्लावर मिक्स हो गया, अब हम ये शिमला मिर्च और चिकन को स्टिक में लगा देंगे। पहले हम चिकन को लेंगे, फिर शिमला मिर्च को लेंगे, फिर चिकन को लेंगे। अगर आप इसमें कुछ और लगाना चाहते तो वो भी लगा सकते हैं। देखिए, 4 पीस मैंने चिकन के लगाए हैं, 3 कैप्सिकम के यानी कि शिमला मिर्च के लगाए हैं। इसे ही हमको सब कांडी अपनी बनानी है जितनी बनेंगी इसमें, और फिर हम आपको बताते हैं। देखिए, 5 कांडी इसमें तैयार हुई हैं और सब कांडी रेडी हैं। हम इसको अंडा जो है, हमने अंडा फेंट लिया है, अंडे में डीप करेंगे। और देखिए, मैंने चूल्हा चालू कर दिया है, चूल्हे पे पैन रखा है, पैन में ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, और इसको अंडे में डीप करके, अंडे में डीप इसलिए कर रहे हैं हम कि ये स्टिक भी ना हो और अच्छे से थोड़ा सा फ्राई भी अच्छी खूबसूरती से होए। ये देखिए, हम ये डाल देंगे और स्लो फ्लेम पर हमें पकाना है, क्योंकि चिकन को गलाना जो है, इसलिए ध्यान रखें कि एकदम फास्ट ना रहे। देखिए, एक तरफ से ये हो चुकी है, इसे हम पलट देंगे। पलट के ये जो दो बाकी है इसको भी तल के हम आपको बताते हैं। देखिए, कांडी को हमने फ्राई करके अलग निकाल लिया है, पैन का जो ऑयल है हमने अलग निकाल के रख दिया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून के जितना हम बटर डालेंगे, और बटर को मेल्ट होने देंगे। देखिए, बटर मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम फ्रेश क्रीम डाल देंगे। फ्रेश क्रीम हमें इतनी डालनी है कि जितनी हमने अपनी रेसिपी में आपको बताई है, और फिर कसूरी मेथी डाल देंगे इसके अंदर। देखिए, ये हमारा एक सॉस की तरह तैयार हो गया, इसे चूल्हे को हम बंद कर देंगे। अब हम प्लेटिंग करेंगे, प्लेटिंग करने के बाद इसके ऊपर से इसको डालेंगे। ये देखिए, हमने प्लेटिंग कर दी है, अब हम क्रीम इसके ऊपर से डालेंगे, और जो बची हुई है हम साइड में रख देंगे, इसको डिप करके भी खा सकते हैं।
ये देखिए हमारी कांडी तैयार हो गई। मलाई कांडी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी है। अगर मेरे आइडिया और मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे कमेंट्स भेजना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।